हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, चल पे हम आपको XNG, USD और नेचुरल गैस फ्यूचर्स के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। यहाँ से देखिए, हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे। मार्केट ने बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट किया, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट हिट किया, और तो थर्ड टारगेट की तरफ मार्केट बढ़ा है लेकिन इसको हिट नहीं कर पाया। यहाँ पर आकर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, और ये मैं आपको भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस क्यों फेस किया है। ठीक है, पहले हम इन लेवल्स को डिलीट कर देते हैं। यहाँ से देखिए, मार्केट ने सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट किया, उसके बाद मार्केट ने अपना फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और भी थर्ड टारगेट की तरफ मार्केट बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस क्यों किया है। इस एरिया पर हिस्ट्री चेक करेंगे, हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं और पीछे जाते हैं, इस एरिया को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी पीक्स हैं और लोज भी हैं। यहाँ पे देखिए, मार्केट काफ़ी सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ करी है। अब हम वापस चलते हैं आज के मार्केट पर, और देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने यहीं से ही रेजिस्टेंस फेस किया है। तो इसलिए बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है हमारे को बहुत ज़्यादा गाइड करती है, और हिस्ट्री के लेवल पर मार्क किए हुए जो लेवल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री जितनी आप कोशिश कर सको उतनी हिस्ट्री को एक्सेस करने की कोशिश करो, और हिस्ट्री के बेसिस पर अपने लेवल्स की मार्किंग भी करके रखो। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या लेवल्स रह सकते हैं। इसके लिए ये जो हमने आज के लिए लेवल्स मार्क किए थे डिसेसिव लेवल्स, इनको हम ग्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं। और डिसेसिव लेवल्स कल के लिए अगर हम बात करते हैं, तो 2.095 हमारा बाई साइड का डिसेसिव लेवल रहेगा, और 2.078 हमारा सेल साइड के लिए डिसेसिव लेवल रहेगा। दोनों में से जो भी लेवल ब्रेक होगा उस साइड का हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। अपर लेवल ब्रेक होता है तो 2.111, 2.138 इस जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे, छोटा सा एरिया है। इसके ऊपर 2.157 हमारा लेवल रह सकता है। इसके साथ ही XNG USD में अगर हम लोअर लेवल की बात करें, तो लोअर लेवल अगर ब्रेक होता है 2.057, 2.041, 2.025 ये हमारे लेवल रहेंगे सेल साइड के लिए, उनको आप मार्क कर लीजिए। इसके साथ ही हम बात करेंगे नेचुरल गैस फ्यूचर्स की। नेचुरल गैस फ्यूचर्स पे शिफ्ट करते हैं, मई का फ्यूचर हम ओपन करेंगे। यहाँ से मार्केट ने, यहाँ पे देखिए हमारा सपोर्ट लिया, बाउंस बैक ऊपर हुआ, मार्केट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी टारगेट्स को हिट किया, और अभी हमारा लोअर लेवल का सेल साइड के लेवल का लास्ट टारगेट हिट करते हुए नजर आ रही है। हमारा लास्ट टारगेट यहाँ तक का था, इसके पास तक मार्केट ऑलमोस्ट पहुँचने वाली है। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, ये हमारे लेवल्स ऑलरेडी रिस्पेक्टेड है, मार्केट ने काफ़ी रिस्पेक्ट करी है इनकी, तो यही हमें गाइड करने वाले हैं। 167.2 हमारा एक डिसेसिव लेवल रहेगा अपर का, लोअर रहेगा 165.8। और यहाँ पर अगर हम नोटिस करें, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पर सपोर्ट भी देखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। ये हिस्ट्री में जितने भी लेवल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप मार्क करके रखिए अपने चार्ट पर। और अब हम यहाँ से बात करते हैं, अगर मार्केट ने लोअर लेवल तोड़ा 164.5, 163.4, 267, 61.1, 61.5, ये हमारे लेवल्स रहेंगे। लास्ट लेवल हमारा 160.4 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट स्ट्रॉन्गली सपोर्ट पहले भी देख चुकी है। अपर लेवल की बात करें अगर, तो 168.3 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 169, 70.3 और 71.5 ये हमारे बाई साइड के मूव्स रह सकते हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स में, तो इनको आप मार्क कर लीजिए अपनी चार्ट पर। और हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो, उसको गो थ्रू करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।